आगे प्रभु कह रहे अब चेदश्य पाप कृतम शर्व ज्ञान प्लव न्रजिन संष्यसी अगर तू सबसे बड़ा पापी भी है बहुत अधिक पापी भी है तो मेरी बात मान ले तो इस नौका पे बैठ जाएगा और पार हो जाएगा ज्ञान रूपी नौका पे जैसी तुम्हें पद्धति बताई उस तरह से चलोगे तो चाहे जितने बड़े पापी हो तुम संसार समुद्र से पार हो जाओगे परमानंद में डूब जाओगे अपिचेदशी पापेभ्या सर्वेभ्या पाप कृत महा पाप करने वालों को पापकृत कहते हैं अधिक पाप करने वालों को पाप कृतर कहते हैं और जो महापापी होता है उसे पाप कृतम कहते हैं अगर तू महापापी भी पाप कृतम अर्थात महापापी मतलब तुमसे बढ़कर कोई पापी हो ही नहीं सकता वो भी भगवत प्राप्ति करने का अधिकारी है यदि ऐसे चले जैसा भगवान ने बताया सदगुरु के पास जाके साष्टांग दंडवत करके विनम्रता पूर्वक उनकी अधीनता स्वीकार करके उनसे प्रश्न करें जिज्ञासा करे या वो अपनी तरफ से जो आपको आदेश उपदेश करें सा पालन करें तो आप चाहे जितने बड़े पापी हो आप भगवत प्राप्त कर लेंगे कितना बढ़िया भगवान विश्वास दिला रहे भगवान कह रहे ना इसलिए किसी और प्रमाण की तो जरूरत नहीं क्योंकि इनसे बड़ा कोई नयाधीश है नहीं जब वो स्वयं कह रहे हैं अपिचे पापेभ्या सर्वेभ्या पाप कृतमा समस्त पापियों में भी तू सबसे बड़ा पापी हो तो भी तू जो मैंने पद्धति बताई उसके अनुसार चलेगा तो इस संसार समुद्र से पार हो जाएगा आगे भी भगवान ने कहा अबिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधरेव सम सम्यक व्यवशिता ही सह भगवान का एक कथन बड़ा सुख देने वाला है आश्वासन देने वाला है तात्पर्य यह है कि जो पापों का त्याग करके साधन में लगा हुआ है उसका तो कहना ही क्या है देखो कोई अपने को यह ना समझे कि हम बहुत बड़े श्रेष्ठ हैं हम सबको उसी गंदगी से प्रभु ने उठाया है जिसे हम देखकर घृणा करते ना हम वहीं से वहीं से हैं बिल्कुल कहीं कोई श्रेष्ठता का अपने में आरोप न कर ले श्रेष्ठ है तो सब श्रेष्ठ है क्योंकि सब उसी से प्रकट है और ये जितने विकार हैं इन्हीं से हमें उठाया गया है हम इन्हीं में गिरे पड़े थे अब भी गिरे पड़े हैं अगर वो अपनी बाहुओं से सुरक्षित न रखे अजान बाहु अभियद भुजदंडल पीन अंश सानुकूल अगर वो हमारी सुरक्षा ना करे तो अब भी हम वहीं फिसल के पहुंच जाए सब कोई बात समझनी चाहिए कहीं इस बात का अहम आ जाए कि मैं श्रेष्ठ हूं मैं महाभागवत हूं मैं ज्ञानी हूं मैं ब्रह्मबोध हूं जो पापों का त्याग करके साधना में लग गए हैं उनका तो कहना ही क्या है पर जिसने बहुत पाप किए हैं और पूर्वाभ्यास है पाप करने का अब उसके उद्धार का क्या हो? उपाय हो सकता है जिसने पाप किए और उसको ग्लानी हुई और छोड़ करके पाप और सदगुरु की शरणों के साधन में लग गया उसमें तो संशय ही नहीं वो तो जाएगा ही जाएगा प्रभु के पास भगवान यहां उसको विश्वास दिला रहे जो बहुत पाप किया महापापी और पूर्वाभ्यास भी पापों का है अब उसको भी अपने उद्धार के विषय में निराश नहीं होना चाहिए भगवान के वचन मान करके महापापी से पापी, पापी मनुष्य भी यदि सोच ले कि इसी जन्म में अब मुझे अपना कल्याण करना है तो पुराने पाप उसको बाधा पहुंचाने की चेष्टा करेंगे ऐसा नहीं कि वो शांत बैठे रहेंगे वर्तमान के पाप उसको बाधा पहुंचाने की चेष्टा करेंगे पर वर्तमान में साधु संघ हो गया और उसने ठान लिया कि मुझे अपना कल्याण करना है उस ठानने में वो उनकी बात मानेगा वर्तमान के पापों पर रोक होनी शुरू हो जाएगी और उनकी बात मानने पर उपासना में धीरे धीरे रुचि होने लगेगी और जहां रुचि हुई तो पूर्व पाप जो बाधक है नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे उसके हृदय में ये निश्चय होने लगेगा कि आज से मैं कभी पाप नहीं करूंगा ध्यान दीजिए ये कब हम जाने कि हमारे पुराने पाप नष्ट हो रहे हैं तुम्हारे हृदय में जब यह निश्चय होने लगे आज से मैं पाप नहीं करूंगा तो आपका हृदय इतना पवित्र होने लगा है कि पाप ना करने का निश्चय करने का अधिकार कर रहा है केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही अब मैं चेष्टा करूंगा उसके पापों का नाश होते देर नहीं लगती जहां ऐसा निश्चय किया फिर समझ लीजिए पुराने पाप जो बहुत समय से कर रहे हैं वो भगवत मार्ग में नहीं आने देते आने ही नहीं देते वो बहुत बड़े बंधन है कहीं भगवत कृपा से साधु समागम के शब्द पड़े और ये लगा कि मैं तो महान पाप करने वाला नीच हूं मेरा कल्याण कैसे होगा देखो वचनों का प्रभाव सत्संग सुनने से मेरा कल्याण कैसे होगा ये बात आ गई अच्छा कल्याण तो साधु महात्माओं के संग से सत्संग से होता है और मेरा अभ्यास वर्तमान में पाप करने का कैसे बनेगा उनके समीप गया अपने कल्याण के लिए जो चेष्टा करनी चाहिए वो संत महात्मा बताने लगे उनके शासन में ध्यान रखना है यदि आप जैसे वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए तो उन्होंने संत का शासन स्वीकार कर लिया जब तक हम नावे तब तक ये बैठे रहना हो तो नाम सीधा नहीं जप सकते तो उल्टा जपो मरा 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 सिद्ध हो गए संत का शासन संपूर्ण दुर्वासना और पाप का नाश करने के लिए होता है जहां उस संत का शासन स्वीकार किया तो हृदय में बात आने लगती है अब लो नशानी अब नशा, बहुत पाप किया अब नहीं करूंगा हो गया ये जब आने लगे तो जान लो पूर्व जो पाप बाधक थे वो नष्ट हो गए तभी ये बात जो पे दुष्ट हृदय सोई हो सन्मुख आओ कि सोई अब जे ही उसने ये जीवन में निश्चय किया के आप केवल भगवत प्राप्ति उसके सारे पाप नष्ट होने में देर नहीं लगती अब उसे जैसे कोई पूर्व वाला देखे कंठी बांध लिया तिलक बांध लिया ये हम जानते शराब पीता था व्यविचार करता था कतल करता था ऐसा वैसा तो उसके लिए भगवान आदेश करे साधु रे मंतव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा उसे साधु मानो क्योंकि मेरी शरण में हो गया है मैं कहता हूं अपिचेत सुदराचारो भजते मां मनन्य भाग साधु रू सम्म्य कल था आज मेरा हो गया है अब इसे आदेश करते भगवान साधु तुम इसे साधु मानो क्योंकि मैं करूंगा इसे साधु करो ही उसी के आगे इस लुक परम भवती धर्मात्मा बहुत जल्दी मैं उसे धर्मात्मा महात्मा बनाऊंगा जब बनाने वाले कह रहे मैं बनाऊंगा तो आप फिर अपने को मानने में क्या है ऐसे उसके पाप नष्ट हो जाते हैं जैसे सौ वर्ष से घना अंधेरा छाया हो और आप प्रकाश प्रकट करें तो सौ वर्ष में ही क्या हो अंधेरा नष्ट होगा क्या ना एक मिनट में खत्म हो जाए वो प्रकाश जो जला अंधेरा खत्म ऐसे ही पाप नष्ट होता है बोले बहुत पुराना पापी है और ऐसे ही खत्म हो गए ऐसे खत्म होता है शरणागत का पाप जैसे सौ वर्ष से साल में अंधेरा है एक बल्ब जला एक सेकंड में प्रकाश हो खत्म अंधेरा सौ वर्ष का अब उसके लिए यह सिद्धांत ना कि सौ वर्ष आप प्रकाश करो तब अंधेरा खत्म नहीं ऐसे एक क्षण में पाप सारे के सारे शरण ने स्वीकार कर लिया शरण ने आम आम तो आम भ्यो मोक्ष मैं पवित्र करूंगा कितने घंटे में एक सेकेंड में जा खत्म जैसे प्रकाश हुआ सौ वर्ष का अंधकार नष्ट ऐसे अनंत जन्मों के पाप सन्मुखोए जीव मोय जम ही जन्म कोट यघ नासों विश्वास करो इस बात पर चेत प्रभु कह रहे प्राय ऐसे पापरत मनुष्यों को यह चेतना नहीं होती कि मैं भगवत प्राप्ति करूं संत समागम या नाम जप नाम कीर्तन चेतना नहीं होती इनकी ये चेतना लुप्त रहती है। ऐसा नहीं कि उनमें सामर्थ्य नहीं पर उल्लुप्त पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति ही भावन का उसके अंदर भाव ही नहीं आएगा भजन आदि का तो चेत ऐसे जो जन होते हैं, पहली बात उनके अंदर सत्संग में जाना या भजन आदि इसकी रुचि ही नहीं हो अगर कहीं भगवत कृपा से या किसी अब जैसे उनके अंदर ये रत्या है, उनकी पत्नी भगवत चरणारविंद की महाप्रभु की शरणागत है आश्रित है कैसा कृपा बन रहा है वो जरूर बोलती उस समय फिर मंजीरा लेकर राधा नाम का ये तो बढ़िया है राधा नाम कीर्तन कर यद्यपि ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसे दुर्वेशन नहीं कर पर दुर्वेशन नहीं छोड़ सकते और राधा नाम स्वीकार कर लिया तो इस बात हमें विश्वास है राधा नाम की महिमा पर निश्चित आपका मंगल होगा निश्चित आप इसी जन्म में ऐसी घृणा करेंगे कि देख लेना निश्चित ये नाम और ये भगवत प्रीति ये भगवत प्रीति है मैं नीच हूं मैं पामर हूं अधम हूं पर प्रभु आपका नाम आपका गुण कीर्तन आपकी महिमा छोटी चौरासी भ्रमंत्य निर्खय जुगल किशोर ये हम सत्य मानेंगे इस असत्य वृत्ति की सत्ता नहीं है और इसकी राधा नाम की चतुरासी जी की इसकी सत्ता है इस असत वृत्ति की सत्ता नहीं है ना सतो विद्यते भाव भावो ना भावो विद्यते सत्ता ये सत्य वृत्ति तुम्हारा परम मंगल कर देगी यदि किसी महापुरुष का संग हो जाए ऐसी कोई घटना घट गट जाए ऐसी परिस्थिति बिगड़ जाए ऐसा वातावरण हो जाए कि उसे उससे ऊब करके किसी संत का आश्रय ले ले महापुरुष का तो कोई कितना भी बड़ा पापी हो उनके प्रभाव से ऐसा दृढ़ निश्चय कर ही लेगा कि अब मुझे मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है वो संपूर्ण पापों से भली भांति तर जाएगा सर्वम ज्ञान प्लवीन व्रजिनम संतृष्य प्रकृति के कार्य शरीर और संसार के संबंध से ही पाप होते हैं जितने पाप होते हैं वो देहाभिमान जब होता है और देहाभिमान में इंद्रिय जन सुखों की भोग लालसा ही पाप कराती है और जब संत संग होता है तो संत संग का प्रभाव होता है सर्व संबंध विच्छेद ध्यान दीजिए आप सरिश चाहे सबकी ना संतों का स्वभाव और प्रभाव आप सरिश जैसे वो है वैसे बनाना चाहते हैं या आप उस शरीर से चाहे आपको भगवत स्वरूप बनाना चाहते हैं संतों के संग का प्रभाव सर्व पहो पहिमाम सर्व संबंध विच्छेद शरीर से अंताकरण से इंद्रियों से शरीर संबंधियों से भोगों से अगर यह नहीं तो संत संग नहीं हो रहा है संबंध विच्छेद संबंध पुष्टता यह अविद्या का संघ है संबंध विच्छेद यही यही ज्ञान है, अज्ञान के नाश का स्वरूप है ममता एकमात्र प्रियालाल के चरणों में समर्पित कोई संबंध नहीं ध्यान देते हो इस बात पर हो नहीं ये वो प्रपंच लादे घूम रहे हो जय श्री थरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो जिए जान श्याम श्यामापद कमल संग शिरनायो सर्वम ज्ञान प्लवे नई व्रजिनम संतरिष्य जहां वो संत महापुरुष के संग के प्रभाव से सर्व संबंध विच्छेद हुआ तो अब उसको तरना बाकी नहीं रह गया तर गया मूला भावे कुतः शाखा जब मूल ही कट गया तो अब शाखा कहां टिकेगी तो बोले मूल था शरीर अंताकरण और भोगों का संबंध संत प्रभाव से वो हट गया अब जो बचा वो भगवद आश्रय भगवत प्रीति या स्वरूप बोधां भस्म सात कुरुते ते अर्जुन ज्ञानाग्निशर्व कर्माणी भस्म सात तथा हे अर्जुन जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है ऐसे ही जब संत संग से ज्ञान प्रकट होता है तो संपूर्ण कर्मों को सर्वथा के लिए भस्म कर देती है ये बात भगवान के वचन यथ धाम से धोग निर्भस्म सात कुरते अर्जुन पीछे के श्लोक में भगवान ने बताया कि जब कोई संत महापुरुषों का आश्रय लेकर के उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलता है तो कितना भी बड़ा पापी हो मार्ग में चलने का तात्पर्य नौका पे बैठना वो ज्ञान रूपी नौका से पाप रूपी संसार रूपी समुद्र से तर जाता है तो बोले समुद्र से पार हो गया पर समुद्र तो रह गया समुद्र की सत्ता तो है तो आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं भस्म सात अर्जुन कुछ नहीं बचता उदाहरण में कह रहे कि जैसे प्रज्वलित अग्नि के साथ संयोग करा दीजिए कुछ भी वो सब को अपना स्वरूप प्रदान कर देगी लोहा डाल दीजिए सोना डाल दीजिए बिस्टा डाल दीजिए चंदन डाल दीजिए जो भी डालोगे वो अग्नि अपने ताप से उसे अपना में स्वरूप दे देगी लोहा भी अग्नि में हो जाएगा सब कुछ भस्म कर देगी कुछ शेष नहीं रहेगा चिन मात्र शेष नहीं रहेगा ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणी भस्म सात जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है ऐसे ही संत संग के प्रभाव से प्रकट हुए ज्ञान रूपी अग्नि से संचित प्रारब्ध क्रियमाण सब भस्म हो जाते हैं संचित प्रारब्ध क्रियमाण तीनों कर्म भस्म हो जाते हैं अग्नि में जैसे काष्ठ का अत्यंत अभाव हो जाता है ऐसे ही संत संग से प्राप्त हुए ज्ञान से पूर्ण समस्त बंधनों का अभाव हो जाता है सब बंधन भस्म हो गए कोई बंधन नहीं न कर्म बंधन न शरीर बंधन न भोग आशक्ति न देह के संबंधियों का बंधन तात्पर्य है संसार शरीर से संबंध विच्छेद हो जाने पर ही विशुद्ध बोध होता है और वही जब कहो तो उसे माना जाता है कि हमारे साथ कटु व्यवहार हो रहा है ये कटु व्यवहार तुम्हारे माने हुए राग पर हो रहा है जब तक इस राग का तुम वैराग्य में परिवर्तन नहीं करोगे विवेक के द्वारा तब तक परमार्थ का अनुभव नहीं हो सकता वैराग्य को समझा जाता स्वेच्छाचार ककारा नहीं आता परमार्थ का केवल कपड़ा बदल लेने से परमार्थी थोड़ी हो जाते हो हाँ परमार्थ के जो महारथी हैं महापुरुष जन उनके पास उनकी अधीनता स्वीकार तब परमार्थ का ककारा आएगा नहीं तो भगवान और सरकार और अवतार बनने में देर नहीं लगती माया बना देती देर नहीं लगती नहा जहां दस बीस हजार लोग दंडवत किए तो यहां आने लगता है हम तो कुछ विशेष हैं और जहां विशेष है फिर वो भगवान की माया अपना प्रभाव दिखा देती है बड़ा विचित्र खेल है बिना गुरु कृपा के समझ में नहीं आता अगर इस अहंकार पर कोई शासन कर सकता है तो एकमात्र भगवान ही कर सकते हैं गुरुदेव भगवान ही कर सकते हैं संबंध विच्छेद होने पर ही आपको परमात्म तत्व का अनुभव होगा बै, बैठा लो इस बात को शरीर से अपनापन शरीर संबंधियों से अपनापन भोगों से अपनापन हटाना ही पड़ेगा यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो देखो महाप्रभु के दूरा दजनाम सुखमर्थ कोटिम सर्वेशु साधन वरेश निराशा तो वर्षंत में सहजादुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु माम स्मरण सहकोणों बार श्लोक को सुनाया होगा आपने सुना होगा और पढ़ा होगा दूरादपास से स्वजनान परिवार के संबंध से बहुत दूर घर में रहते हुए बहुत दूर गृहस्थ हो तो भी बहुत दूर राग रहित होना जैसे ये बड़े बड़े महापुरुष जो गृहस्थी में उनके जीवन चरित्रों को पढ़ के देख लीजिए श्रीवास जी के घर में कीर्तन हो रहा है पुत्र पधार गया कान में जाके कहा पुत्र महाप्रभु तक आवाज नहीं जानी चाहिए कीर्तन नहीं बंद होना चाहिए कीर्तन बंद हुआ तो मेरे प्राण निकल जाएंगे और उछल उछल कर कीर्तन कर रहे हैं राग रहित अगर राग हृदय में है तो चाहे आप गृहस्थ हो चाहे आप विरक्त हो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ये अंतर का भगवत प्राप्ति अंतर के विषय से होती है यह आचार्य परंपरा ये वेश बाहर से त्याग करते हुए आंतरिक कर राग को मिटाने के लिए है जो निवृत्ति मार्ग के उपासक है नहीं तो जो निवृत्ति मार्ग के प्रभु है वही प्रवृत्ति मार्ग के प्रभु हैं जो भगवत प्राप्ति निवृत्ति मार्ग को होती वही प्रवृत्ति मार्ग को होती बस अपने सिद्धांत से, से चले दोनों को ही वैराग्य धारण करना होगा एक को बाहरी और आंतरिक दोनों और एक को केवल आंतरिक बाहरिक व्यवहार में रहते हुए भी वो भगवत प्राप्ति वैसे ही करेगा संबंध विक्षेद ये बड़ी जोर की बात है संबंध विक्षेद बिना संबंध के नहीं हो सकता कोई तो हमारा हो अब उसको अपनापन ना सदगुरुदेव में है ना श्री जी में तो संबंध विच्छेद कर ही नहीं सकता केवल नाटक होता है क्या होगा ये लाल पीले धारण करने से आंतरिक राग की पुष्टता के लिए कपट पूर्वक परमार्थ का पोषण बड़ा चतुर बनता है जीव और वो चतुराई करके स्वयं नरक जाने का रास्ता पुष्ट करता है समझता कोई जानता नहीं अरे जिसके तुम हो वो तो जान ही रहा है ना वो तो सबके हृदय बैठा हुआ वो खुद देख रहा है। साक्षी है सबका वो सबका दृष्टा है कैसी भूल है कि जिन विषयों को त्यागने के लिए मार्ग लिया जाता है उन्हीं विषयों को भोगने के लिए इसका कपटपूर्वक आश्रय कैसा कैसा भगवान का विचित्र माया जाल है वो जानते दूसरों को उपदेश दे सकता है वो दूसरों के लिए वो लिखित दे सकता है और अपने लिए पर उपदेश कुशल बहुत दूसरों को उपदेश देने के लिए तो क्या आनंद आता है लेकिन अपने आचरणों पर उस उपदेश को उतारो तभी भगवत प्राप्त संबंध विच्छेद गुरु से संबंध बनाकर उसका नाटक करना और संबंध शरीर और शरीर के भोगों से प्रभु को अपना मानने का नाटक करना और संसार से अपना सत्य भाव रखना प्रभु को साधन बना लेना और विषयों को साध्य बना लेना कहां की चतुरता है ये कहां की बुद्धिमत्ता है अपने हाथ से अपना नाश कर रहे हो जब तक संबंध विच्छेद नहीं तब तक परमात्मा तत्व का बोध नहीं बातें बनाने वाले तो हम नाम जैसे बहुत हैं बहुत बातें बनाने वाले खूब बढ़िया लच्छेदार भाषण हो सकता है लेकिन परमात्म प्राप्ति लक्ष्यदार भाषण देने और सुनने से नहीं होती उसका वर्ण करने से होती सब संबंध विक्षेद एकमात्र प्रियालाल से अपना संबंध वास्तव में जब तक कोई अपना किसी को मानता है अपना संबंध किसी से रखता है तब तक प्रभु से अपनापन होता ही नहीं है जब तक अपने लिए कर्म करता है अपने लिए भोग सामग्री मानता है तब तक वो भगवत भाव में प्रवेश नहीं पाता है जैसे देखो आप चिंता मत करो आपका भरण पोषण पूरा निर्वाह प्रभु पहले से कर रहे हैं आप जान नहीं पा रहे हो कल किसी ने प्रश्न किया था कि अगर माता पिता न रहे अमुक के फिर उसका भरण पोषण कौन करेगा ये भगवत शरणागतों के मुख में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए आज तुम जिनके द्वारा पोषित हो वो भी उसी के द्वारा पोषित है उस प्रभु के द्वारा आज तुम्हारी वो रक्षा कर रहा है लेकिन तुम किसी को अपना मानो इसलिए समझ नहीं पा रहे हो कल वही तुम्हारी रक्षा करेगा वही भरण पोषण करेगा व्यर्थ में चिंता मत करो ये चिंता तभी होती है जब चिंतामणि श्री स्वामी जी के चरणों से आपने संबंध नहीं स्वीकार किया है, चिंता करने की जरूरत नहीं है अपने जीवन से हम जानते हैं हम अपना उदाहरण इसलिए देते हैं कि अपने हृदय की बात हम आपको बता सकते हैं एक आदमी भी पानी देने के लिए नहीं था अगर हमें औषधि चाहिए तो मुझे पैसा मांगना पड़ता जो माने हुए अपने को हैं धनी और उनके पास जाके निवेदन करना होगा लगता था आगे क्या होगा ज्यादा वर्षों की बात नहीं चौदह वर्ष पंद्रह वर्ष पहले की बात अगर हम मांगने गए तो उधर पोषण के लिए रोटी है नहीं तो नहीं है हम पानी उठा के पिए तो है नहीं तो नहीं है दवा लेने के लिए पैसा मांगने गए तो है नहीं तो नहीं है कल किलिश विचार कभी आते थे कि क्या होगा जब हम उठ नहीं पाएंगे जब हमारी किडनी इस स्तर की हो जाएगी तब क्या होगा क्या होगा अंदर से रहे शरीर छोड़कर प्रभु के पास जाएंगे और क्या होगा इसीलिए तो हम भगवत मार्ग में हैं प्रभु से मिलन के लिए चिंता क्यों करते हो एक प्रश्न उठता है जीवत्व को लेकर व्यवहार को लेकर के लेकिन आराध्य देव की कैसी कृपा कैसी लीला प्यार करने वाले सेवा करने वाले सेवा की शौन व्यवस्था जैसे आकाश से गिरती ना ऐसे गिरी है ऐसे गिरी है ये कोई न सोचे हम वास कर रहे हैं बुढ़ापे में हमारी कौन सेवा करेगा हमारी कौन व्यवस्था करेगा हम अपने हृदय की बात कह रहे हैं आगे आगे जैसी आवश्यकता हुई वो इसलिए दिखाया कि तुम्हारी ये स्थिति है और हमारी कृपा की यह स्थिति दोनों पार्ट दिखा दिए तुम्हारी सामर्थ्य है और मेरी सामर्थ्य का एक इशारा यह है मारी व्यवस्था घूमती है जिस व्यवस्था के लिए सोचते थे क्या होगा उस व्यवस्था को ऐसे ऐसे बिखेर दिया वो सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु कभी अविश्वास मत करो नाड़ियों में रक्त प्रवाह शरीर का बालक से जवान हो जाना श्वासों का आना जाना भोजन का पचना ये क्रियाएं तुमसे हो रही हैं क्या तुम्हारे ही शरीर में ये तुमसे हो रहे हैं क्या नाड़ियों का रक्त प्रवाह शरीर का अवस्था परिवर्तन होना श्वासों का आना जाना भोजन आदि का पचना ये किससे हो रही तुमसे हो रही है क्या खाना पीना चलना बैठना देखना बोलना ये किससे हो रहा है तुमसे हो रहा है क्या परंतु अज्ञानवश इन क्रियाओं को अपना मान लेते हैं अपने द्वारा इन क्रियाओं का कर्ता मान लेते हैं तो ये क्रियाएं कर्म बन जाती हैं और उसको बांध लेते हैं क्या देखा उसका फल मिलेगा अब जो दिखाओगे वही देखेंगे जो सुनाओगे वही सुनेंगे जैसे रखोगे वैसे अभी मुक्त अभी इसी क्षण मुक्त बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज समझ में आती है बात अब ही सुधरे हम कर्म करके चाहते हैं मोक्ष पद कर्म से मोक्ष पद नहीं होता कर्म त्याग से मोक्ष पद होता है कर्म का कर्ता भाव त्याग कर्म का फल त्याग जो बचा हुआ आपका स्वरूप होगा शरीर संबंध शरीर की क्रियाओं से संबंध शरीर के भोगों से संबंध शरीर संबंधियों से संबंध का त्याग तो बचा वो परमात्मा स्वरूप अभी मुक्त हो गए अभी सारी साधना इसी बात की है जब कोई भगवत आश्रित होता है और भगवत बोध होता है तो जन्म जन्म के संचित कर्म स्वतः नष्ट हो जाते हैं भगवत कृपा से संचित कर्म मानो एक कमरे में बहुत वर्षों से अंधकार जमा है एक टिमटिमाता हुआ भी दीपक लेके जाओ तो अंधकार खत्म उतना प्रकाश हो जाएगा समझो तो बहुत जन्मों की पापी कैसे पवित्र होंगे बहुत समय लगेगा अब बिगड़ी जन्म अनेक किया बही ए खत्म अंधकार मन वचन कर्म से अधीनता प्रभु की सदगुरुदेव की बात बन गई लेकिन ये अहंकार देवता ऐसे थोड़ी अधीन होते जब तक ठोकर पर ठोकर नहीं खाते या तो स्वयं प्रभु पधारे मर्दन करें इस अहंकार का जैसे कालिया नग था ना जो फल उठाता अपने श्री चरणों की ऐसे प्रहार करते श्री चरणों की चोट पहुंचाते खून उगलता हुआ शरणागत हो गया त्राहे माम रक्षा करो हाँ ठीक है ऐसे अहंकार रूपी जो सर्प के फण है इनको हरि गुरु कुचल दे तो बात समझ। और कुचलना ऐसे जहां प्रभु फुंकार मारता वो तो प्रभु ही कर सकते नहीं उसकी फुंकार में सब भस्म हो जाते काली देह में जब प्रभु कूदे तो ऐसे थोड़ी हो कि त्राही माम सरणा श्री कृष्ण ऐसे नहीं लपेट करके पहले उसने अपना पूरा प्रयास किया तो अहंकार लपेट करके पहले पूरा प्रयास करेगा किसका जो अहंकार नष्ट करने के लिए सोचेगा चाहे हरि हो चाहे गुरु हो अहंकार पूरा विरोध करेगा पहले यहां आए का है के लिए वृद्धावन का है के लिए आए हो जीवन को आबाद करने के लिए यही जीवन आबाद हमारे माई श्यामा जु को रा जीवन तो बर्बाद इधर होता है एक एक श्वास विषयों में व्यर्थ जा रही उसे बर्बाद कहते ये तो सत्संग है राधा नाम कीर्तन है यश है प्रिया प्रीतम का और कुछ नहीं है तो व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार लाडलीजू के भरोसे सो रहे हैं उनका उच्छिष्ट पाके उनके लिए जीवन व्यतीत कर रहे हैं हो गया जो अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थिति शरीर के सुख दुख शरीर के संबंधियों का व्यवहार अपने चित्त पर रखता है कैसे परमार्थ का पथिक बनेगा ध्यान दीजिए अनुकूलता प्रतिकूलता का प्रभाव शरीर के संबंधियों का प्रभाव वो असंतुष्ट हैं थोड़ा इसलिए किस किस को हम संतुष्ट करेंगे भगवत मार्ग में चले हैं आप अगर सपोर्ट कर सकते तो हमारे हो नहीं हम जानते भी नहीं कि तुम हमारे कौन हो जाके प्रियन राम वेदेही ते ताही कोटि बैरी सम परम सने ही। परम सने ही। सबका मंगल हुआ तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी ऐसा नहीं कि आप हो? परमार्थ के पथिक होकर किसी की प्रसन्नता के लिए आप परमार्थ को छोड़े प्रियालाल की आसक्ति को जो आप स्वीकार करने के लिए बढ़े उनके नए आप किसी का रहे अगर आप हमारे संबंधी हो तो मेरे प्राण प्रीतम से मिलने का सहयोग कीजिए अगर नहीं तो ताहि जद्य परम सने, इस मार्ग के पथिक में गुंजाइश नहीं होती किसी के आंसुओं पर किसी की धमकी पर यह मार्ग नहीं रुकता ये मार्ग केवल हृदय की उत्साह संपन्न वृत्ति से भगवत मार्ग को स्वीकार किया जाता आप जो होगा देखा जाएगा तो ये मार्ग अपने जो आराध्य देव का बल प्राप्त हुआ उसके बल से चला जाए आप लोगों को तो उपदेश मिल रहा है सुविधा मिल रही सपोर्ट मिल रहा है कोई सपोर्ट नहीं तेरह वर्ष की अवस्था कोई सप, बस वही एक भगवान का बल उन्हीं का निश्चय हर जगह सावधान नई अवस्था थी कहीं कहीं कोई फसाव नहीं सीधे निकल गंगा की धारा जैसे प्रवाहित होती ऐसे जीवन की धारा उन्हीं के चरणों में अब वृंदावन आ गए प्रतिकूलता तिरस्कार अपमान क्लेश जीवन का हमारा लक्ष्य है यही हमारे लक्ष्य की पूर्ति कराएगा कल इन लोगों से बता रहे थे देखो अभी सर्दी नहीं आई श्री जी ने आप सबकी व्यवस्थाएं कर दी हम अपनी आपको बताते हैं कई कई कभी, कभी कभी जब ज्यादा सर्दी होती तो पास के आश्रमों में जाते तो देखते थे सब अपने अपने कंबल लिए उड़े कोई पूछता भी नहीं था कि पता नहीं कम्बल उड़ा दे रात में लेके भाग जाए तो ऐसी कापते हुए शरीर ठंडी करती फिर निश्चय किया ओढ़ना ही नहीं हमें आश्चर्य नहीं लेना इसका वो भगवत कृपा से कभी जुखाम या बुखार भी नहीं आया भीषण सर्दी से सहते हुए आपके अंदर सब सामर्थ है रहीमन बहुषज कर ब्याद न छाणत साथ खग मृग बसत अरोग बन हरि अनाथ के दवाइयां खा के व्यवस्था करके भी कभी जुखाम नहीं दसवें वर्ष कभी जुखाम नहीं हुआ भीषण सर्दी गर्मी बरसात हर ऋतु को वो शरीर सामर्थ्यशाली हुई भगवान वैसी कृपा करते ये परमार्थ के पथिक की ये बातें हमारी समझ में नहीं आती अन्य आश्रय व्यवस्था का गुलाम ये समझ में नहीं आता तुम भगवत प्राप्ति के लिए निकले हो संबंध जीव के बनाए हुए हो न शरीर से संबंध विक्छेद न भोगों से संबंध विक्षेद न परिवार से संबंध विक्षेद चना एक बार भुन जाए फिर निश्चिंत हो उसे खेत में बो दो खूब खाद लगाओ अंकुरण नहीं होगा एक बार तो भुनने दो इसे एक बार तो आग में जलने दो इसे एक बार तो वासनाएं भस्म होने दो शुरुआत में ही तुम वही सिद्धावस्था धारण कर लोगे तो कैसे बात बनेगी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति साधक को सुखी दुखी नहीं करती जो भगवत मार्ग का पथिक होता है एक मात्र लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति तो ऐसे उपासक के संचित प्रारब्ध क्रिमाण ये सब भस्म हो जाते हैं कर्मों से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता वो जीते जी जीवन मुक्त हो जाता है शेष चर्चा के श्री राधा